हम लोगों ने हवन पूजन किया है और दूध से दूधाभिषेक किया है भोले बाबा को। और इंडियन जो खिलाड़ी है उनका, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, और पाकिस्तान को जाना है आज शमशान, और हिंदुस्तान आएगा वर्ल्ड कप, सुन ले बेटा पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां आज इंडिया और पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल मैच है और पटना में अभी से ही युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। इंडिया की जीत को लेकर कदम कुआ के मंदिर में सुबह से जो युवा हैं, सुबह से ही मंदिर में हवन और जलाभिषेक भी कर रहे हैं और पूरी तरीके से साधना से आराधना से वो इंडिया, टीम इंडिया की जीतने की मनोकामना मांग रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें वहाँ की किस तरीके से जो युवा हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत पाकिस्तान का मुकाबला वर्ल्ड कप का है और हिंदुस्तान की जीत के लिए हम लोगों ने हवन पूजन किया है और दूध से दूधाभिषेक किया है भोले बाबा को। और इंडियन जो खिलाड़ी है उनका, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, रोहित जी है कप्तान, और पाकिस्तान को जाना है आज शमशान, और हिंदुस्तान आएगा वर्ल्ड कप, सुन ले बेटा पाकिस्तान। भारत माता की, भारत माता की। पटना के नाला रोड मंदिर, बजरंगबली के मंदिर में हवन पूजन कर टीम को जीत कर दुआ मांगे, आशीर्वाद मांगे हैं, हमारी टीम जीते। हम माँ से कामना किए हैं कि जिस तरह से 2011 में हमारी टीम वर्ल्ड कप लाने का काम किए हैं, 2023 में भी हमारी टीम भारत में वर्ल्ड कप लाने के प्रयास करे, पूरे ताकत से करे हमारी टीम। अब फुल भरोसा है, हमारी टीम अच्छा खेल रहे हैं अभी और अच्छा खेल कर अब वर्ल्ड कप भारत में आएगा। और रात को भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पटाखा और गुलाल और मिठाइयों बांट कर जश्न मनाने का काम करेंगे और जिस पाकिस्तान को आज धूल चटाने का काम करेंगे हमारे भारत का टीम। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो राजधानी पटना के युवा हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं और टीम इंडिया के जीतने की मनोकामना मांग रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि ताकि आज टीम इंडिया जीत जाए सेमीफाइनल में। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता।